हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैटर्न के बारे में और पैटर्न भी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहां पर हम पैटर्न बनाने वाले हैं पाइथन पर, तो पाइथन की आईडीई ओपन कर लेते हैं। आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, तो इसे आपको कर लेना है ओपन। यहां पर फाइल पे जाकर के न्यू फाइल हमें चूज करनी है, यहां पर हम अपनी कोडिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए कोडिंग को। तो सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल हमें क्रिएट करना है, ठीक है। और वेरिएबल आपको जो भी नाम चाहे दे सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। जैसे मैं यहां पे दे देता हूं ए, ठीक है। मैं इसे जो वेरिएबल बना रहा हूं उसको नाम दूंगा ए। तो यहां लिखता हूं ए इज इक्वल टू इंट, इंट टाइप का है ये, ठीक है। और आपको पता है ना इनपुट, यहां पर हम इनपुट करते हैं जैसे प्रिंट एफ में लिखा करते थे सी लैंग्वेज में, तो यहां पे इनपुट कराएंगे हम। तो क्या इनपुट कराएंगे, एंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ रोज एंटर कराएंगे हम, जितने चाहे उतने नंबर्स का हम पैटर्न बना पाएंगे इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद यहां पर लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट को हमें रिपीट करना है, दैट्स व्हाई यहां फॉर लूप लगा रहा हूं मैं। आपको पता है यहां पे फॉर, और यहां पर एक और वेरिएबल बना लेता हूं आई, ठीक है। स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए ही फॉर लूप लगाते हैं, आपको ये पता है। यहां पे इन लगाता हूं, इन नॉट आई डबल एन, ठीक है, इन, ओके। तो ये इन लगा लिया हमने। अब यहां पे रेंज का प्रयोग करने वाला हूं, तो ये रेंज लगा लिया। रेंज एक डेटा टाइप भी होता है, तो ये डेटा टाइप है। और यहां पर जो हमारा वेरिएबल है ए, वो लिखना है आपको, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने वेरिएबल का नाम, ठीक है। और यहां लगा दिया कोलन, ओके। एंटर प्रेस किया हमने, और एंटर प्रेस करके यहां पर आप प्रिंट करवाएंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, आपको क्या लिखना है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको यहां लिखना है, सबसे पहले तो स्पेस प्रिंट करवा देता हूं, सिंगल डॉट कॉमा में स्पेस प्रिंट करवा दिया हमने, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, इनटू लगाएंगे। तो स्पेस प्रिंट करवाने के बाद यहां पर लगा दिया हमने इनटू, ठीक है। तो इनटू का साइन लगा दिया, और अब a माइनस आई, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया और यहां पर लिखेंगे a माइनस आई, ओके। और फिर यहां पर माइनस वन, ये लिख देने से हमारा काम आसान हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है, ठीक है। और यहां पर str यानी स्ट्रिंग लगाना है, str, ये लगा दिया हमने। और आपको पता है ये भी एक डेटा टाइप होता है। और यहां पर i प्लस वन करेंगे, आई प्लस वन, वहां आई माइनस वन और यहां पर आई प्लस वन, ठीक है। तो ये आपको कर देना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये आई है यहां पे ए माइनस आई, ओके। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, लगाना है प्लस, ठीक है। यहां पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहां पे प्लस लगा दिया हमने, प्लस, ओके। और फिर एक बार हम स्पेस देंगे, ठीक है। तो ये सिंगल इंटरवल कॉमा स्पेस दे दिया हमने, ठीक है। स्पेस देने के बाद ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, क्योंकि यहां पर पहला ब्रैकेट ओपन हुआ था, यहां दूसरा ब्रैकेट ओपन हुआ था। एक ब्रैकेट यहां क्लोज हो गया, दूसरा ब्रैकेट यहां क्लोज हो गया, ठीक है। और तीसरा ब्रैकेट यहां पर क्लोज कर देंगे हम, ठीक है। स्ट्रिंग लगाया था हमने यहां पे, तो यहां एक ब्रैकेट ओपन किया है आई प्लस वन। एक बार फिर से लिख दीजिए आई प्लस वन, ठीक है, आई प्लस वन, ये लिख दीजिए। ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, ठीक है। और एक और ब्रैकेट हमें करना होगा क्लोज, ठीक है। सबसे पहले यहां हमने प्रिंट लिखा, ठीक है। और यहां पर सिंगल डॉटेड कॉमा सिर्फ लिखेंगे, ये सिंगल डॉटेड कॉमा यानी स्पेस दे देंगे, इनटू का साइन लगाया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, ओके। और फिर यहां पे ये चीजें लिख करके, छोटी सी बात और आपको ध्यान रखनी है, यहां पर आपको एक और ब्रैकेट ओपन करना है। और अब यहां पे दोनों ब्रैकेट जो हमने क्लोज किए थे वो क्लोज हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। तो सेव करेंगे कहाँ, यहाँ फाइल पे जाएंगे और यहां से सेव बटन पे क्लिक करेंगे। और सेव बटन पे क्लिक करने के बाद इसको कोई नाम देना पड़ेगा, तो चलिए इसे नाम दे देता हूं मैं पैटर्न। तो यहां लिखता हूं मैं पैटर्न सिंगल टी, ओके। और डॉट पी वाई, तो ये डॉट पी वाई लिख दिया हमने। और यहां पर डेस्कटॉप पे किया क्लिक और यहां से सेव पे कर दिया क्लिक। यहां से रन पे जाएंगे और यहां से इसको रन करवा देंगे। यहां पे आ रहा है एंटर नंबर ऑफ रोज, हमने थ्री रोज एंटर किए। यहां पर तीन पैटर्न 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके प्रिंट होके आ गया। चलिए इस प्रोग्राम को क्लोज करता हूं, एक बार फिर से कराता हूं रन। तो ये रन करा दिया, इस बार हम 8
एंटर करते हैं तो यहाँ पे 8 नंबर का पैटर्न आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से प्रिंट होकर आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फिर इसको रन करवाते हैं तो इस बार हम यहाँ पे देते हैं 16, तो यहाँ पे देखिए ये 16 नंबर का पैटर्न प्रिंट करके हमें दे दे रहा है। ठीक है, तो चूंकि 16 यहाँ पे दो दो का गैप हो जा रहा है तो इस वजह से इस तरह का ये आ रहा है। ठीक है, और अधिक आप देंगे तो और भी ज्यादा इस तरीके से आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप इस पैटर्न को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे मैं देता हूं 100। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से प्रिंट होकर आएगा, ये पूरा ही यहाँ पे स्पेस भर जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहां से शुरू हुआ और कुछ इस तरह से ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर मैं यहां से चेंज करता हूं इसको फिर से, यहां पे मैं 50 करता हूं तो कैसा प्रिंट होकर आएगा, इस तरह से प्रिंट होकर आएगा। आप इसको देख सकते हैं, ये आपका पैटर्न है। ठीक है, यहां से शुरू हुआ और इस तरह से ये प्रिंट होकर आया हुआ है। तो ये ट्राइंगल पैटर्न उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।